वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, सरकारी नौकरी भर्ती 2021 स्टाफ नर्स पैरा मेडिकल स्टाफ, इसके अलावा 2000 लैब टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। 14 फरवरी बड़ी खबर ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, आज ही की न्यूज निकल के आ रही है। साथ ही 4000 स्वास्थ्य कर्मी वापस रखे जाएंगे, कोरोना में हटाए गए कर्मियों को वापस नियुक्ति मिलने वाली है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ और यह भर्ती कब तक आने वाली है, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, जॉब लोकेशन क्या है, A to Z सारी जानकारी आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। जी हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मैं पहले आपको जो है न्यूज़ यहाँ पे दिखा दूँ, तो हिंदुस्तान की न्यूज़ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, स्कूलों में बहाल होंगे 2000 लैब टेक्नीशियन, हिंदुस्तान जॉब्स रांची, हिंदुस्तान ब्यूरो। नीचे आप लोग देखिए तो राज्य के 2337 हाई और प्लस 2 स्कूलों में लैब टेक्नीशियन नियुक्त होंगे। वर्तमान में पुराने प्लस 2 स्कूलों में ही लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत हैं, शेष प्लस 2 और हाई स्कूलों में पद स्वीकृत नहीं हैं। सभी स्कूलों में लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत कर उनकी नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसका प्रावधान कर रहा है। राज्य के स्कूलों में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के साथ साथ लैब को भी सुसज्जित किया जाएगा, साइंस संबंधित आवश्यक उपकरण रखे जाएंगे। वर्तमान में साइंस के शिक्षक ही छात्र छात्राओं को पढ़ाने के साथ साथ अपने स्तर से प्रैक्टिकल भी कराते हैं। छात्रों को अलग से प्रैक्टिकल के लिए शिक्षक होने पर वे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। लैब सुसज्जित करने के लिए सरकार बजट में प्रावधान करने जा रही है। वोकेशनल पर भी है जोर, हाई और प्लस 2 स्कूलों में साइंस लैब के साथ वोकेशनल शिक्षा पर भी सरकार का जोर है। स्कूलों में वोकेशनल लैब की भी स्थापना की जाएगी, इसके लिए स्कूल वार फंड उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पद किए जाएंगे स्वीकृत, राज्य के 2337 हाई और प्लस 2 स्कूलों में लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत होंगे। झारखंड अलग होने के समय राज्य के 57 प्लस 2 स्कूलों में ही लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत थे, लेकिन वह खाली हो गए हैं। अब बाकी स्कूलों में इनकी नियुक्ति होगी। अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं होने तक अनुबंध पर टेक्नीशियन बहाल करने पर भी विचार हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखिए तो 4000 स्वास्थ्य कर्मी वापस रखे जाएंगे, बन्ना गुप्ता झारखंड रांची से न्यूज निकल के आ रही है। तो बता दें यहाँ पे 4000 स्वास्थ्य कर्मी वापस रखे जाएंगे। झारखंड में जो कोरोना में ड्यूटी कर रहे थे, अगर उन्हें हटा दिया गया है तो आपको जो है दोबारा यहाँ पे नियुक्ति मिलने वाली है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जमशेदपुर, कोरोना काल में जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों को हटाया गया था उन्हें दोबारा काम पर लिया जाएगा, चाहे वे पैरा मेडिकल की हो या आउटसोर्स की। यह जानकारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को हिंदुस्तान से बातचीत में दी। मंत्री ने कहा कि कठिन समय में जिन लोगों को हटाया गया था उनसे हमारी हमदर्दी है। बता दें कि कोरोना काल में करीब 4000 कर्मियों को हटा दिया गया था। मंत्री ने बताया कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए 456 करोड़ का बजट बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया है, तो इसलिए जो है दोबारा आप सभी को नियुक्ति मिलने वाली है। तो आप सभी को डिटेल्स में बता दूं, साथ ही मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें 14 फरवरी आज ही की न्यूज है, झारखंड रांची पेज नंबर 3 पर या पेज नंबर 1 पर आपको पूरी न्यूज यहाँ पे मिल जाएगी, देख सकते हैं। जेड्रा के पूर्व निदेशक समेत 3 पर केस दर्ज। और यहाँ पे देखिए तो स्कूलों में बहाल होंगे 2000 लैब टेक्नीशियन और 4000 स्वास्थ्य कर्मी वापस रखे जाएंगे, बन्ना गुप्ता। तो बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है। कहाँ से निकल के आ रही है, तो यह जो निकल के आ रही है झारखंड स्टेट से निकल के आ रही है, झारखंड रांची से निकल के आ रही है। तो झारखंड के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, झारखंड में 2000 लैब टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है। कब तक भर्ती हो जाएगी, तो मार्च में भर्ती आपकी हो जाएगी, मार्च में आपकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो 2000 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन के लिए झारखंड में बता रहा हूँ, जिसमें मार्च में यह नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसके बाद जो 4000 स्वास्थ्य कर्मी हैं
जो कोरोना काल में इन्हें नियुक्ति से हटा दिया गया था, दोबारा इनको नियुक्ति मिलने वाली है 4000 कर्मियों को, जो कि झारखंड की बात चल रही है इस समय। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, इसमें जो है डीएमएलटी वालों को मौका मिलेगा, डीएमएलटी वालों को और बीएमएलटी वालों को। अगर आपने जो है डीएमएलटी कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है, तो लैब टेक्नीशियन झारखंड में लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूलों में जो है जो 10वीं की और जो 12वीं जो लैब है, इसमें आपकी नियुक्ति होगी लैब टेक्नीशियन के स्तर पर। तो डीएमएलटी वाले, बीएमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 25 से लेकर 30 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ, 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और इसमें डीएमएलटी बीएमएलटी वाले अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि जो 4000 स्वास्थ्य कर्मी हैं वापस रखे जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, आर्टिकल में पब्लिश कर दी गई है, 13 फरवरी 2021 को यह आर्टिकल में पब्लिश की गई थी। राज्य के 2337 मैट्रिक व इंटरमीडिएट स्कूलों में होगी लैब टेक्नीशियन की भर्ती। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑफिशियली न्यूज निकल के आ रही है, आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं, जिसमें बोला गया कि झारखंड के 2337 हाई स्कूल और प्लस टू इंटरमीडिएट स्कूलों में लैब टेक्नीशियन नियुक्त होंगे। वर्तमान में पुराने प्लस टू स्कूलों में ही लैब टेक्नीशियन के पद स्वीकृत हैं। तो ये जो दोस्तों है हिंदुस्तान के आर्टिकल में पब्लिश कर दी गई है, और यह जो है 13 फरवरी को ही पब्लिश की गई, 13 फरवरी को कल जो है पब्लिश कर दी गई थी। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है बजट भी पास कर दिया गया है। तो बहुत ही साफ साफ मेंशन की गई है कि आपका जो है यहाँ पे मार्च में यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन झारखंड वालों के लिए आने वाली है। इसमें 2000 लैब टेक्नीशियन की भर्ती स्कूलों में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि देख सकते हैं, राज्य के 2337 हाई और प्लस टू स्कूलों में लैब टेक्नीशियन के जो पद हैं स्वीकृत होंगे। झारखंड अलग अलग राज्य बनने के समय राज्य के 57 प्लस टू स्कूलों में ही लैब टेक्नीशियन के पद जो है स्वीकृत थे, लेकिन वह खाली हो गए। इसके बाद जो है यहाँ पर भर्ती होने वाली है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दे दिए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि जो 4000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो झारखंड के 4000 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिन्हें कोरोना काल में जो 6 महीने का पीरियड था संविदा पर, जो उन्हें रखा गया था 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, बाद में जो है उन्हें हटा दिया गया, अब इन्हें जो है बाद में नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बजट है इसे पास कर दिया गया और बजट के अनुरूप जो है अब इन्हें सैलरी भी मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं दोबारा इनकी नियुक्ति होने वाली है। तो जो झारखंड के स्वास्थ्यकर्मी हैं उन्हें यहाँ पे जो है दोबारा नियुक्ति मिलने वाली है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल रियल न्यूज़ है, बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज़ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल में पब्लिश की गई है। साथ ही हिंदुस्तान के जो न्यूज़ है, ई पेपर, साथ ही जो न्यूज़पेपर है, दोनों तीनों जगह आपको यहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगी। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि 4000 स्वास्थ्यकर्मी वापस से रखे जाएंगे और 2337 मैट्रिक व 10वीं 12वीं में जो है जो स्कूल हैं उनमें लैब टेक्नीशियन की भर्ती होगी। कितनी वैकेंसी है? 2000 वैकेंसी है, ठीक है। तो कैसा लगा अपडेट ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो है जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों पल पल की अपडेट ऑफिशियली मैं लेकर आता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑफिशियली कोई न्यूज़ निकल के आती है या कोई भी ऑफिशियली वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब, कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो जॉब इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।